हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड की ओर से दिसंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है। प्लस कंपनी की ओर से 50 पैसे पर इक्विटी शेयर का एंट्रिम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। रिकॉर्ड डेट 21 फरवरी 2024 रखा गया है। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर। गाइस, पहले हम लोग कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे और नंबर्स की बात करें तो कंपनी के जो नंबर्स दिए गए लैक्स में है। इनकम है 1892 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1937.5 करोड़ का, दिसंबर 22 क्वार्टर में 1867 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस हुआ है कंपनी का 1545.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1706.6 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 1771.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस में डिक्रीज किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस में भी डिक्रीज हुआ। देखिए, यहाँ पे इनकम में डिक्रीज है लेकिन एक्सपेंसेस बहुत कम हुआ, जिसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 346.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 230.8 करोड़ का, दिसंबर 22 क्वार्टर में 95 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट 263.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 174.6 करोड़ का, दिसंबर 22 क्वार्टर में 78.5 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। EPS 4.4 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। तो गाइज, कंसोलिडेटेड कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया है। देखिए, यहाँ पे इनकम थोड़ी सी गिरावट थी लेकिन एक्सपेंसेस कम होने के कारण प्रॉफिट में इंप्रूव हुआ है। स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम 1814 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1888 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 1750.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 1479 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1640.7 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 1668.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन गया, जिसके कारण प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 344.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 247.4 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 81.8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 251.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 184 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 65 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। EPS 4.22 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया। तो क्या सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इनकम में डाउन है बट एक्सपेंसेस बहुत कम हुआ, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर, जिसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव हुआ है। तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिलन बाय।